Actually, I'm here for the open mic. Have the performances started? Yeah. You're a performer or audience? A performer. Okay. I hope I'm not too late. Not really. You can join in. Are you sure? Yeah, definitely. Can I have a ticket, please? Oh, yeah. Of course. Neend ko uske jaane ka khayal tum dilati ho. Subah ko uske hone ka ehsaas tum dilati ho. ऑफिस में बॉस बड़ा बेवकूफ है क्योंकि तुम्हारा सारा पगार वो तो मुझे दे देता है पर काम को भी उसके करने का एहसास तुम ही तो दिलाती हो। मैं चाहता हूं कि तुम आज ये सुनो कि तुम बस एक कप चाय नहीं कुछ और भी। बिस्किट को उसके अस्तित्व का, समोसे को उसके स्वाद का और धुएं को उसके नशे का एहसास तुम ही तो दिलाती हो। मैं चाहता हूं कि तुम आज ये सुनो कि तुम बस एक कप चाय नहीं कुछ और भी। कितनी रातें गुजारी है मैंने बस तुम्हारे सहारे। एग्जाम में पहली बार कलम उठाई तो भी तुम्हारे सहारे। हिम्मत जुटाकर पहली बार किसी लड़की से बात की तो भी तुम्हारे सहारे। आज यहाँ अपने ख्याल बयान कर रहा हूँ तो भी तुम्हारे सहारे। मैं चाहता हूँ कि तुम आज ये सुनो कि तुम बस एक कप चाय नहीं कुछ और भी। संतुष्टि का बस एक नाम नहीं होता, सिर्फ मिठास का मतलब सुख नहीं होता। किसी को दो चम्मच चीनी तो किसी को एक भी नहीं। इन्हें कैसे समझाऊं कि प्यार का कोई मोल नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम आज ये सुनो कि तुम बस एक कप चाय नहीं कुछ और भी हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखिए आप ताली बजा सकते हैं बस परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद। Can I have a huge round of applause for Shayantan? Louder guys, आपके दिल का हाल बयां करना कोई आसान काम तो नहीं। We're spoken word artists, it's a poor breed, trust me. देखिए अभी हमारा परफॉर्मेंस है तो आप चुटकी बजाना मत भूलिए। चलो अच्छा। Please welcome my dear friend and a fantastic poet, Anand Shukla. Sometimes being in this body, I feel like a thin man with foggy. This is what I'm saying. Say. It's like you can feel nothing. Focus on it. Sometimes being in this body, I feel like a thin man with foggy. This is what I'm performing? Yes. Nervous? Mm-hmm. अच्छा है। क्या अच्छा है? मैं हालत खराब हो रही है भाई साहब। अच्छा है। आप हेल्प नहीं कर रहे। अगर हालत खराब नहीं हो रही होती ना तो दिक्कत थी। क्या? बस ऐसा समझ लो स्टेज को वैसे लोग पसंद नहीं जो कॉन्फिडेंट होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट। आपकी बातों में कोई लॉजिक नहीं बट फिर भी इट्स हेल्पिंग मी सो थैंक यू। कविता पढ़ने आए हो और लॉजिक का सहारा ढूंढ रहे हो। ये ऐसी दुनिया है जनाब जहां कौड़ी के भाव बिक जाओगे और अगर सोच समझ के बोलने लगे ना तो बोल नहीं पाओगे। यहां पर सब ऐसे ही होते क्या? कैसे? अरे नहीं मतलब वो वैसे मेरे जैसे पागल। पागल नहीं मतलब पता नहीं। अच्छा ये बताओ लिखते क्यों? कभी सोचा नहीं ऐसे मतलब। अच्छा है क्योंकि जब जान गए ना क्यों लिखना है तो या तो लिखने के काबिल नहीं रहोगे या फिर शायद खुद को पहचान नहीं पाओगे। मतलब? मतलब अभी ना समझो तो बेहतर है। अभी जाओ स्टेज पे
ये जो स्टेज है ना, इसे अच्छा लगता है जब कोई पहली बार इसके पास आता है। तुम नर्वस होकर उसे इज्जत दे रहे हो, अच्छी बात है, समझे? हाँ, मतलब चलिए, मैं ऐसे जब भी स्टेज के सामने जाता हूँ ना, ऐसे ऑडियंस को देखते ना, ऐसे पेट में ऐसा कुछ तो मतलब तो उन्हें मत देखो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शांतन रॉय एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम हियर। सो यार, दैट्स व्हाई आई एम प्रीटी नर्वस, बट आई मेड अ न्यू फ्रेंड आउटसाइड एंड ही टोल्ड मी दैट इन हिज फर्स्ट टाइम हियर he was looking up to avoid eye contact and the entire audience thought he was blind. So I guess the fuck up bar is quite high for me. Okay, so I guess I'll start. Like a broken down coffee machine that refuses to work, as if it's tired of its existence, you know, dispensing and boiling coffee every single day, as if it's just begging me, please, please don't ask me to get out of bed or take a shower. I know I haven't washed my hair in 3 days. Please, please don't ask me or the coffee machine why, because no reason we give you will seem valid enough. So I splash canvas on. So I splash red and black paint on an empty canvas and call it abstract art. But it is in fact just all these feelings or the lack thereof. Mother asks me, why don't you sleep at night? I tell her that I'm afraid of the monsters underneath my bed. Sometimes being in this body feels like a tin man with foggy glasses on. I can feel nothing, focus on nothing. They tell me, snap out of it, go out, have some fun. But when the city is flooding, do you ask your friends to go out and have fun? No. You tell them, be safe. And why do you ask me to venture out to unsafe territories? My body is a shipwreck and I am drowning. And I don't have the strength to carry myself to shore. I dread falling asleep because mother, I found out that the monsters don't live underneath the bed. They live inside of me. Thank you. Thank you. I'm so sorry. अच्छा, वो परसों पोइट्री बॉय वालों का ना लाइनअप है यहाँ पे, तुम जा रहे हो? बे नहीं बे, जोसेफ साला चूतिया है, उसको तो गिन के वही 5 लोगों के साथ काम करना है। हाँ। मैं क्यों जाऊँ ताली बजाने? साला वो पहले आसिफ मकरन भाई ये सब तो कैसे दुमी लागे आता था पीछे। सब चले गए भाई, हम गरीब रह गए। शुक्ला जी और रॉय जी। हाय हाय हाय, आई होप आई एम नॉट इंटरप्टिंग। नॉट रियली, नॉट रियली। I just wanted to say thank you. Like, honestly, I would have definitely fucked up on stage if you hadn't taken me through that whole thing first. No, dude, you're like really good on stage. And your choice of words are like really interesting. Arre, haan, bilkul. Really? Yeah. Thank you, guys. You're welcome. Okay, I have to ask, did the blind thing really happen or were you just trying to make me feel better? No. It did happen. Why would I lie? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, और बहुत कहानियाँ हैं इनकी। नर्वसनेस के कारण वो बैंड स्टैंड में बलून बेचने वाले बच्चों को ऑडियंस बना के अपनी कविताएं सुनाते थे। अब बताओ, भला उनको ये इसकी बातें समझेंगी भी क्या? Nothing like that. Basically, they don't judge you. So it's easy and convenient. कुछ भी नहीं, सही हो, जज नहीं करते थे वो बच्चे, सही है। Right. So I guess I'll see you guys around. Sure. Bye. Bye-bye. अच्छा सुनिए, चुटकी बजाते रहिएगा। बिल्कुल। Bye.
बाय. क्या कितने साल से हम तुम्हारे दोस्त हैं? 5-6 साल. क्यों सलाम, मदद के नाम पे आज तक एक टूथब्रश नहीं लाया गया तुमसे, और यहाँ तो भाई मतलब मदद के झरने बह रहे हैं. हैं ऐसा कुछ नहीं है बे, मतलब देख वो नई नई आई थी तो ऐसा थोड़ा हेल्प मांग रही थी तो कर दिया. अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये सब माया जाल है बुद्धू राम. माया जाल है क्या? पिएगा पिएगा, चल इसी पिला देसी. কালো জামাটা পরিস নি তো? না না. ব্রাইট কালার পরেছিস? হুম. ইস্ত্রি করে নিছিস? হুম. ও মাছটাকে খাবার দিছিস? হ্যাঁ. ঠিক তো? হুম. এই তুই হিন্দি কবিতাটা পাঠালি না? হ্যাঁ. ওটা বাবু মাসিকে পাঠালাম. আচ্ছা. কি বলে? তুই চুলকে বাল লিখেছিলি না? ও তো অন্য কিছু ভাবছিল. মাসি. আচ্ছা আনন্দ শেষমেশ বাড়ি ভাড়া দিল? না না. তুই পুরোটা দিছিস? সব ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, এক সপ্তাহের মধ্যে চলে আসবে. আসলে ইলেকট্রিকের বিলটা দিতে হবে না তাই পাঠাচ্ছি. সাবধানে গাড়ি চালাস. ঠিক আছে. জয় গুরু জয় গুরু. হুম. क्या चूतिया पाया यार ये वैलेंटाइंस डे और वर्क एथिक हैंड इन हैंड जाता है क्या? हर एक चीज़ में इवेंट घुसा देते हैं. छुट्टी काट दिया साला. ये सब एचआर वालों का स्कीम है, बता रहा हूँ. क्या मस्त प्लान था मेरा यार. हाय, शाम को रिया के साथ लिवरपूल का मैच देखता और फिर यू नो व्हाट आई मीन. वेट, यू डोंट. पर तेरा तो और भी ख़राब है ब्रो. उसने ऑफिशियल मेल में मेंशन किया है कि शांतन विल बी क्लोजिंग द कल्चरल नाइट विद हिज ब्यूटीफुल वर्ड्स. सच्ची? अबे यार फिर से नहीं यार. तेरे को याद है पिछली बार उसने क्या किया था? एक पीस बोल के आधा घंटा परफॉर्म कराया था. और ये हर बार तंदूरी नाइट बोल के पनीर खिलाना है, क्या मतलब होता है? प्रॉब्लम ही मैं तेरे को बोल, ये ऐसा सैंतन 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 करके पटाने का मतलब नहीं. लेकिन यार मैं क्या बोल रहा हूँ यार, छोड़ ना, एडजस्ट करना पड़ता है. थोड़ा बहुत तो सबको करना ही पड़ता है ना एडजस्ट. हाय सैंतन. Hello ma'am. So it seems like you don't like our cultural nights, huh? No ma'am. I love them. That's what I was telling him. He's like, nahi non-veg hona chahiye and all. Intentions matter, food doesn't. Hai na? Anyway, I want to apologize to you. Why ma'am? I didn't check with you before mentioning your name in the email, you know. Oh, that's completely okay. You can change it whenever you want, actually. That won't be possible because our CEO has already checked mail and he's quite excited about it. And you are a star, you know, everybody wants you. Of course, ma'am. But ma'am, actually, tomorrow... Anyway, see you tomorrow. Yeah? I have a show, ma'am. Abhi saale, mera naam kyun le raha tha? Main ghar pe to pata bhi nahi, main non-veg khata hoon. यार सीनियर है तो कुछ भी करेगी क्या यार? नहीं, अपने कुछ करना चाहिए इसके बारे में यार. दैट्स द स्पिरिट. लेट्स नॉट बी कॉर्पोरेट स्लेव्स एनीमोर. तू ना इसके ऊपर कंसेंट का कंप्लेंट कर दे. एचआर ने बिना कंसेंट तेरा फायदा उठाया. साउंड्स सो मॉरली इनकरेक्ट. कर दे यार, इवेंट भी कैंसिल हो जाएगा. बेस्ट है. कहाँ जा रहा है? अच्छा, कर लिया एक्सेप्ट स्लेवरी. डूड, ये बंदा तेरा दोस्त है ना? देखता होते हुए नई मंजिलों के इतना करीब, अपने पुराने सपनों का टूटा हुआ तेरा. नहीं यार, ये दोस्त नहीं है, मतलब जानता हूँ उसको. क्यों? सही है ब्रो. अच्छा सुनना यार, वो रिया का बर्थडे आ रहा है आजकल, इसी के वीडियोस पे ट्रिप कर रही हो तो तू इसको बोलना यार कि वो कुछ अच्छा सा वीडियो, हैप्पी बर्थडे वीडियो बना के भेजे. पागल हो जाएगी वो, और गिफ्ट का आधा खर्चा भी बच जाएगा. यार मतलब इतने अच्छे से तो नहीं जानता मैं. देख देख कुछ निकलेगा जुगाड़ यार. मतलब कम मिला हूँ उसको यार, ऐसे
अच्छे से तो नहीं जानता। होते हुए नई मंजिलों के इतना करीब, अपने पुराने सपनों का टूटा हुआ डेरा दिखता है। मैं समझ गया। क्या? मैं पोएम्स क्यों लिखता? क्योंकि तुमको और कुछ नहीं आता। एग्जैक्टली। क्योंकि मुझे और कुछ नहीं आता है, मैं सिर्फ पोएम्स के लिए बना हूँ। अच्छा, तो क्या लिखना पसंद है तुझे? मुझे ख्याल, ख्याल। और ख्याल खत्म हो गए तो तो क्या सो जाएगा, फिर ख्याल आएंगे, उठकर फिर लिखेगा। आप बताओ ना, आप क्या लिखते हो? मैं ख्याल के अलावा अपना अनुभव। एक कवि का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका एक्सपीरियंस, उसका ऑब्जर्वेशन और तुम्हारा इमेजिनेशन। ये सब तो सही है मकरंद भाई, लेकिन ये जो स्टेज पे जो परफॉर्म कर रहा है, ये आपको लगता है कि इन तीनों चीज़ों में से किसी के भी बारे में सोचता होगा? बॉलीवुड पिक्चर की छापी हुई कहानी सुना है। तुम्हारे लिए जो खराब है ना, वो किसी और के लिए अच्छा हो सकता है। क्यों? ये सही है मकरंद भाई, मकरंद भाई आप टीचर क्यों नहीं बन जाते, एकदम मास्टर जी की याद दिलाते हो आप। आपकी बात तो सही है मकरंद भाई, लेकिन इससे तो ज्यादा ही लोग मेरे कविता को पसंद करेंगे। हंड्रेड परसेंट। तूने आज तक क्या लिखा है भाई? ख्याल। ख्याल एक गू ख्याल है, वो इसे निकाल देता है। ये गलत है मामा, ये गलत है। वो हम तो कह रहे हैं कि ये साजिश है। किसकी? ऊपर वाले की बे, वो ले रहा है हमारी। अच्छा, और क्या, हम दे रहे हैं। तो ऊपर से वो कल के लाइनअप शो में ये भी है। हाँ बे, इसीलिए तो जाने का मन नहीं कर रहा है। इस कन्या को कहीं देखा है बे? इधर लाओ बे। ओह, मदद वाली है। ये देखो बेटा, आप है ना, एक टिप्पणी ले लो हमसे। ये जो तुम्हारी जिंदगी है ना, वो भी एक सूखे स्पंज की तरह है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पानी सोख रहा है या मूत, उसे केवल सोखने से मतलब है। क्या बोल रहा है? अरे कविराज, हमारे कहने का मतलब है कि अभी तुम्हें सही और गलत में अंतर पता नहीं चलेगा। अरे अरे बात तो सुनो, इसलिए तो कह रहे हैं भागो मत, नहीं तो फिसल जाओगे। हाँ, अभी तू भी दे दे ज्ञान। हाँ बेटा, बहुत इश्किया है जिंदगी में, अपने अनुभव से बता रहे हैं, समझो बात को। अबे यार, तू चुप ना जरा। हमें क्या है? हाँ बस वो पागल आशिक मत बन जाना, नहीं तो मजबूरन तुम्ही पर कविता लिखनी पड़ेगी। बताओ, सो जा चुपचाप। ये ऑफिस कितना बेकार लग रहा है ना आज। एक तो ऐसे ही काम करने का कोई मोटिवेशन नहीं होता, ऊपर से ये लाल कलर के ट्यूमर से बलून दे रखे हैं चूतियों ने। पर ये क्या है? हाँ, सैलरी मांगने जाओ तो पैसे नहीं है। अरे वैलेंटाइन गिफ्ट दे रखा है भी, कि क्या क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ तू बता। हाँ, किधर डालूँ मैं इसको? हाँ चूती है। वैसे यार ये है बड़ा क्यूट, देख तो सही यार, लड़का लड़की मस्त। आय हाय, मैं और रिया भी ऐसे ही दिखते होंगे ना? यार ये भी ऐसी दिखती होंगी ना, मतलब सही बोलूँ क्या, तेरी शक्ल भी ना मुझे ये ट्यूमर जैसी लग रही है। ऐसे पकड़ के ना इसका सब 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 जहाँ देखो, रिया रिया रिया।
अरे यार तेरे को कोई मिलता नहीं तो तू मेरी मान लेता यार। अबे ऐसा नहीं है भाई, बट समझना जरा बेकार का मतलब। और भाई मिला सैलरी तुमको? तुमको भी नहीं मिला? देखो तुम्हारा सैलरी वाली सब गुब्बारे में उड़ा दिया उन्होंने। इसमें ये देखो, सही बता रहा हूँ, पूरा कंस्पिरेसी चल रहा है। मैं कल वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, ये पूरा कैपिटलिज्म पूरा तुमको उल्लू बना रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ पैसा मिले ना मिले आज गुब्बारे लेके जाना घर पे अपने, 6-7 तो ले ही लेना खुद के। और तो क्या, और मेरे को तो काम आ जाएंगे यार, रिया का बर्थडे पार्टी आ रहा है तो उसमें यूज़ कर लूँगा ना मैं यार, जो भी खर्चा थोड़ा बहुत बच जाए। और क्या, तू आना ज़रूर। अरे करेंगे ना अपन, करते हैं। वो तो बताऊँगा मैं कहाँ रखूँगा कुछ यूज़। एक सेकेंड भाई सुनना यार, यार मैंने आज शाम को शायद मतलब कहीं जा सकता हूँ, तो तू समझ ले थोड़ा सा। पागल हो गया है, मेहता मार डालेगी मेरे को, शाम का मेन परफॉर्मर तू है भाई। हाँ मतलब पता है, लेकिन तू स्मार्ट है ना, है कि नहीं? स्मार्ट है तू, संभाल लेगा मेरे को पता है। वो तो है, लेकिन मैं बोलूंगा क्या यार, सांतन सांतन करके दिमाग चाट जाएगी मेरा यार। जी बोल दे यार, हाथ मिला, हाथ मिला। अबे यार तू हर बार ऐसा है। स्मार्टी पैंट्स, गुड, वाह वाह, गुड गुड गुड। अरे थिंकिंग ऑफ मतलब सोच रही हूँ, और अगर उसने थिंक किया कि नहीं जाना है तो चले। एक तो हमें वहां पे जाना नहीं है, ऊपर से वो 600 का टिकट अलग। यार मैं दे दूंगा ना, तू इतना क्यों सोच रहा है? तू चलना, ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि मैं अकेला आया हूँ, कंपनी दे। हाँ वे, तुम तो अंबानी की छठी औलाद हो ना, और हम क्या साले बैसाखी है? हाँ लंगड़ोगे तो हमें लेकर, बम्बू करोगे तो हमें लेकर, चूतियाप करोगे तो हमारे साथ। इतिहास गवाह है भाइयों, बताओ इसे। कटता ना आखिर बेस्ट फ्रेंड का ही है, तू लिख ले। तेरा बकवास बंद करना, चलते जाके शो के मजे लेते यार, चल कर। क्या मजे लेंगे वहां पे जाके, तू भी ना यार। आ रहा है मजा? इसे सच कहे ना तो तुम्हारे लिए ज्यादा बुरा लग रहा है। एक तो इस चूतिये को सुनना पड़ रहा है, और ऊपर से कन्या भी नहीं आई। आ गई, सही लग रहा हूँ? जा करो अपनी अंतरात्मा को भ्रष्ट। शुक्ला जी का क्या है, अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। हाय, हे, हाउ यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो लुक्स लाइक यू आर रेगुलर ओवर हियर, हां? I don't know, but I'd like to be. It's actually kind of fun. Actually, you know, you should wait after the show. Is that Bikram over there? Yeah. Do you know him? Yeah. I love his work, yeah. Like, I've seen all his videos a million times. Do you think you can introduce me? I just want to say hi. Sure. विक्रम कैसे है भाई? अरे सर कैसे हैं आप? लॉन्ग टाइम नो सी। यार हम तो वहीं हैं, तो आप ही नहीं दिखते। हम भी तो यहीं हैं, हम कहाँ हैं। और बताओ क्या हाल चाल है, आज परफॉर्म कर रहे हो? नहीं यार, वो एक्चुअली डेट्स नहीं थे ना, तो इसलिए मना करना पड़ा। यार ये मेरी दोस्त है जैनब। हाय। हाय जैनब। एक्चुअली आई एम अ ह्यूज फैन, लाइक आई हैव सीन ऑल योर वीडियोस एंड जाम इज माय फेवरेट, लाइक इट रियली टच सम। थैंक यू सो मच। आप भी लिखती हैं क्या? वेल आई हैव रिटन वन पोएम इफ दैट काउंट्स। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, कहीं से तो शुरुआत करनी होती है ना। यू शुड चेक आउट दिस हाइकू जैम ऐप, इट्स रियली गुड। आई विल डू दैट, थैंक्स। शांतन, मैं जोसेफ से बात करूं क्या तेरे स्लॉट के लिए, सिंस यू आर ऑलरेडी हियर? यार एक्चुअली मैं ना आधे घंटे में निकल रहा हूँ ना, तो आज तो हो नहीं पाएगा यार। यार तेरी एक वीडियो देखी बहुत अच्छी। कौन सी यार, क्या नाम था उसका? हाँ खाना बदोशी। तो काफ़ी पुरानी है मतलब? मैं उसे शेयर करना भूल गया, मैं आज ही करता हूँ जाके।
थैंक्स यार. नहीं होगा, नहीं नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? अगर ये इतना ही आसान काम होता तो हर कोई इसे नहीं कर लेता क्या? ऐसी बात नहीं है. यहाँ पे मैं सुबह से लिखते रहता हूँ, फिर उसके बाद स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ, फिर क्या मिलता है? हाँ, ऑडियंस के फेक रिएक्शंस. शांतन यू आर सो गुड, शांतन रॉय यू आर सो गुड, नोबडी मींस इट. ठीक है, नोबडी. और अगर ऑडियंस ने तुझे बोल दिया कि शांतन बहुत ही बुरा था तो तू ले पाएगा? हाँ ऑफ कोर्स. अबे बकवास. अरे कभी अपने दिल से लिख, साफ दिल से लिख, समझा? आप तो मत ही बोलो. ठीक है, आपका परफॉर्मेंस सबको बहुत पसंद आता है, वो सब ताली बजाते हैं और वो भी दिल से बजाते हैं, सब रिस्पेक्ट करते हैं आपको, पर आपको नहीं पता है, प्लीज मत बोलो. मैं नहीं समझूंगा. अबे तू जहाँ है ना वो जगह जी के आ रहा हूँ मैं, मुझे बोलते नहीं समझूंगा. अरे ऑडियंस क्या सोचती है, क्या बोलती है, गया तेल लेने भाई. जो तेरे दिल से आता है वो बोल, फिर उसके बाद फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या बोल रहा है, कौन ताली बजा रहा है, नहीं बजा रहा है. किताब उठा और लिखना शुरू कर. बकवास करते हैं मेरे सामने आके, आपको नहीं पता होगा, मुझे बताया गया. नहीं डाला है तो बैकग्राउंड लाइनअप के बारे में. आई डिडंट लाइक उस जगह की. सीरियसली बड़े जहां जहां पर व्हाट लुट जाए सब आशिक. यू नो आई एम अ साइकोलॉजिस्ट सो लाइक अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इज काइंड ऑफ माय जॉब. ओके सारे जहां की मतलब. या आई डिड. बट यहाँ पे ऐसे ही काम होता है ना, यू नो ही विल थिंक दैट मैं ऐसे लाइन अप शोज करता हूँ एंड देन ही माइट रेफर मी समवेयर, यू नेवर नो. हाँ हाँ अब बस यही काम बाकी है उसका. वैसे आई हैव हर्ड कपल ऑफ मोर थिंग्स अबाउट योर बिहेवियर. लाइक व्हाट? लाइक यू आर स्मार्ट. Thank you. You're cute. Thank you. You sing it. Okay. That was more like a statement question sort of thing. Yes, I am. You like, let's say, a girl? I do. She's pretty new then. She is? She's like unbelievably smart. Now, you're pushing it. Maybe, you know, a bit. बचपन से निर्मोही हूँ, वश नहीं है मेरा मोहब्बत पे, मैं बचपन से निर्मोही हूँ. अक्सर खुद को समझाता था मैं बंजर हूँ, मैं रोही हूँ. अक्सर खुद को समझाता था मैं बंजर हूँ, मैं रोही हूँ. तेरे दिल की पीली गुलशन में आज फूल में खिलना चाहता हूँ, तेरे धूप में हर पल रोशन हूँ, तेरे चांद से मिलना चाहता हूँ. जब तक गगन में सूरज है एक चोर सा हो इन बातों में, जब तक गगन में सूरज है एक चोर सा हो इन बातों में, ये कुदरत का ही नियम है गिरते हैं पर्दे रातों में, ये कुदरत का ही नियम है गिरते हैं पर्दे रातों में. तेरे हुस्न के ऊंचे पर्वत से बन नीर पिघलना चाहता हूँ, तेरी धूप में हर पल रोशन हूँ, तेरे चांद से मिलना चाहता हूँ. Oh, wait, 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 wait,
but I have something I want to see. What's up? So, I'm not really a relationship kind of person. Like, matlab ye mere liye completely casual hai because actually I can't be in relationships. Like, I'm really fucked in my own head and then it gets awkward and then I don't... I myself am not a relationship kind of guy either, so I'm bored. Are you sure? 100%. Cool. मैं शहर को अरसों देखता जैसे घूरता कोई मुसाफिर है, किसी रोज देख लूं ढलता सूरज तब होश रहता कहां फिर है। मील का पत्थर, रास्ता, मंजर, ये सब मेरी नज़्म के हिस्से हैं। मेरे बस्ते में एक डायरी और कुछ किताबें, उन सब में सफ़र के किस्से हैं। मेरे किस्सों में बस बातें हैं, तजुर्बा है, खामोशी है। मैं अजनबी हूँ अपनों के शहर में, ये मेरी खानाबदोशी है। मैं बहका बहका चलता हूँ गुमनाम सी फक्कड़ गलियों में, मैं दहका दहका रहता हूँ खुशमिजाज सी नरंग रलियों में। मैं पागल पागल कहता हूँ उनको जो कहीं पर गए नहीं, मैं बादल बादल देखता हूँ अब ये मेरे लिए नए नहीं। पत्थर गलिया पत्ते गलिया मुझको ही शातिर कहते हैं, हाजी नमाजी पंडित काजी तबीयत से काफिर कहते हैं। तन्हाई मेरा मजहब है और इश्क ही सरफरोशी है, मस्ताना फितरत है मेरी सब कहते खाना बदोशी है। उस पर भी मुझको लगते हैं दिन छोटे और ये रैन बड़े, दुनिया की झांकी दिखाते हैं ये झील कवल से नैन बड़े। हुस्न के बाजार में जो सस्ते सौदे बिका नहीं, वो शायर भी क्या शायर है जिसने तुझ पे कुछ लिखा नहीं। मैं आज इसी वक्त सर पे तुम्हारे ये इनाम रखता हूं, आशिकी की हर नज़्म बस तुम्हारे नाम लिखता हूँ। तुम वो हो जिसमें पागलपन बेहोशी है मदहोशी है, मैं तलाश रहा जिसे दर बदर ये ऐसी खानाबदोशी है। हाँ माँ, अभी भालू अच्छी, तुम्हें भालू अच्छा तो? अच्छा, पहला एपिसोड देखा आपने, कैसा लगा? थैंक यू माँ। हाँ हाँ, बॉबी मासी की हूँ, सबके साथ शेयर करो ना, और उनसे कहो कि अगर उन्हें पसंद आए तो लाइक करेंगे तो अच्छा होगा, और अगर कमेंट करेंगे फिर तो और भी अच्छा होगा, और हैशटैग द लाइनअप ऑन बड़ी बिच लिख के अगर वो लाइनअप की टीम के साथ बात करे फिर तो मतलब क्या बात क्या बात क्या बात। नेक्स्ट एपिसोड हाँ आ रहा है ना अगले फ्राइडे 5th of March। अच्छा आप एक काम करो, नीचे वो सब्सक्राइब का बटन है ना उस पर क्लिक करो, अब बगल में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करो, आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन जैसे ही मिल जाएंगे। सिंपल, घर की सफाई वो तो कब की कर दी मैंने, दिखाऊं? मम्मी मैं ना मैं आपको कॉल करता हूँ, आपको कॉल करता हूँ, कॉल वेटिंग आ रहा है, एक सेकंड ना।